ये वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है जिनको अभी तक स्मार्टफोन टैबलेट नहीं प्राप्त हुआ है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के CCS यूनिवर्सिटी के कॉलेज के बारे में सबसे पहले बात करने वाले हैं जो कि MMH कॉलेज गाजियाबाद में स्थित है। इसमें भी यहाँ पर दिया गया आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय के BA, BCom, BSc, बायो, गणित एवं शारीरिक शिक्षा, LLB तथा स्वामित्व पोषित योजना के अंतर्गत संचालित पाठ्यक्रम BBA एवं BCA सत्र 2021-22 एवं सत्र 2023 में अध्ययनरत उन सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने किसी कारणवश अभी तक अपना स्मार्टफोन प्राप्त नहीं किया है, छात्र हित में अंतिम अवसर प्रदान करते हुए महाविद्यालय में दिनांक 14-10-2024 से दिनांक 16-10-2024 तक प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कमरा नंबर 13 में वितरित किए जाएंगे। इसके पश्चात बचे हुए स्मार्टफोन प्रशासन शासन को वापस कर दिए जाएंगे। तो जिन छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन मिलना है वहाँ पर www.mmhcollegegaziabad.com पर उपलब्ध है, कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये लिस्ट डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट से आप नाम चेक कर ले कि किन किन को यहाँ पर स्मार्टफोन टैबलेट मिलने वाला है। ये लिस्ट जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगी और उसके लिए अपने कॉलेज में संपर्क करें। 14 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक जो है 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक कमरा नंबर 13 में जो है वितरण किया जाना है। उसके साथ ही दूसरे आदेश की बात करते हैं तो आपको बता दूं कि दिनांक 13 सितंबर 2024 को महाविद्यालय को डिशक्ति तकनीकी से प्राप्त निर्देशों के क्रम में महाविद्यालय में चल रही स्मार्टफोन वितरण की प्रक्रिया को स्थगित किया गया था। उसी क्रम में अवशेष यानी कि जो बचे हुए लाभार्थी छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन का वितरण पुनः प्रारंभ किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सभी तिथियों में जो उनके आगे दी गई है 1 बजे जो है यहाँ पर स्मार्टफोन टैबलेट वितरण होने वाला है। 14 अक्टूबर को आप देख सकते हैं BCA और BEd के स्टूडेंट्स को, उसके साथ ही BCom, BSc प्रथम सेमेस्टर, BA तृतीय वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत जो छात्र हैं उनको यहाँ पर देख सकते हैं 15 व 16 अक्टूबर को, 18 व 19 अक्टूबर को यहाँ पर स्मार्टफोन टैबलेट वितरण होने वाला है। उसके साथ ही LLB के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर जो है 21 और 22 अक्टूबर को स्मार्टफोन मिलने वाला है। इस चरण में वितरित किए जाने वाले स्मार्टफोन के लाभार्थी छात्र छात्राओं की सूची महाविद्यालय की आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। प्रत्येक छात्र के प्रत्येक रूप में उपस्थित होने पर सॉफ्टवेयर में उनका फोटो लिया जाना है तथा आधार कार्ड से पहचान की पुष्टि होने पर ही स्मार्टफोन लाभार्थी छात्रों को दिया जाएगा। कहने का मतलब कि आपको आधार ई वेरिफिकेशन करना अनिवार्य है। जिन छात्र छात्राओं ने आधार ई वेरिफिकेशन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उनको तुरंत ही वहां पर जाकर के फिंगरप्रिंट्स लगाते ही उनको स्मार्टफोन यहां पर मिल जाएगा। जिन्होंने अभी तक नहीं किया है उसके रिगार्डिंग हमने आधार EKYC की एक वीडियो जो है अपलोड की है, वो जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में भी आप उसका लिंक पड़ा हुआ है। साथ में आप जो हमारे YouTube चैनल पर चले जाए वहाँ पर आधार ई वेरिफिकेशन डाल लें तो वहाँ से भी उस वीडियो को देख लें कि कैसे आपको ये जो स्मार्टफोन के लिए आधार ई केवाईसी कैसे करना है। जिन छात्र छात्राओं का आधार EKYC होगा उन्हीं को स्मार्टफोन टैबलेट यहाँ पर मिलने वाला है। याद है अयोध्या के कॉलेज है कौशुक साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय जो कि अयोध्या में स्थित है, उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं को यहां पर टैबलेट स्मार्टफोन मिल रहे हैं। तो सभी छात्र छात्राएं कमेंट में ज़रूर बताएं किन किन को स्मार्टफोन टैबलेट मिला है और किन किन छात्रों ने आधार EKYC की है, वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ में किस आप यूनिवर्सिटी से और किस कॉलेज से हो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि हम पता कर सकें कि आपको स्मार्टफोन टैबलेट कब मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ में हमें फेसबुक टेलीग्राम इंस्टा आदि पर फॉलो कर ले, वहाँ पर भी कमेंट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले। तो मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद।